मैं संजीव शर्मा, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा कर्मचारी संगठन। देखिए, आम तौर पर क्या हर बार पहली तारीख को कर्मचारी को, पेंशनर को उसकी सैलरी मिल जाया करती थी, लेकिन ये मुझे भी 34-35 साल की सर्विस हो गई है, ये पहली बार हमने देखा कि आज 3 तारीख हो गई है, अभी तक सैलरी लोगों के खाते में नहीं आई है। जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से हमें पता चला कि इस बार कर्मचारी को 5 तारीख को और पेंशनरों को 10 तारीख को सैलरी मिलने वाली है। देखिए, ये तो निश्चित तौर पे सोचने वाली बात है, चिंतन करने वाली बात है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जब बजट बनता है तो उसमें प्रावधान रखा जाता है सैलरी का भी, यहाँ तक कि जो 2 DA की किस्तें मिलनी है साल में, उसका भी प्रावधान रखा गया होता है। जब सैलरी का प्रावधान रखा गया तभी बजट पास हुआ होगा। तो अब क्या ये परिस्थितियां बन गई कि सैलरी नहीं मिल पा रही है? तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लैप्स है, वो अधिकारी के लेवल पे है, जो यहाँ पे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। ये तो उनको सोचना चाहिए होता था कि भी क्यों ये स्थिति परिस्थिति बनी है। तो आप समझ सकते हैं, अगर कर्मचारी को, जैसे कि मैंने शनिवार को भी कहा था कि अगर 2 महीने तो छोड़ो, 2 दिन बाद भी अगर सैलरी मिलती है तो कितनी परेशानी को उसको सामना करना पड़ता है। सबसे पहले जैसे कि अभी मेरे कर्मचारी ने कहा कि आज इनके पास घर में दूध तक नहीं था, इनके घर में कोई डॉक्टर आए थे कहते हैं तो उन्होंने उनको ब्लैक टी पिलानी पड़ी। तो ये हालात है, और उन्होंने बताया जेब से 50 रुपए कहते आज की डेट मेरे पास, और ना ही मेरे पास बैंक में है। अब देखो, जहां तक बैंक की बात है, वो ऑटोमेटिकली EMI कट जाती है, पहली को नहीं तो 2 को या 3 को। अब EMI जब कट जाती है तो उसमें तो उसको पेनल्टी लगेगी। तो इस बारे भी हमने सोचा है कि हम एक मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस को एक लेटर लिखेंगे और उनसे हम अनुरोध करेंगे कि वो कंसर्न बैंक को डायरेक्शन दें कि जिनकी भी EMI कटती है, एक तो EMI की जो डेट है उसको डेफर किया जाए, जब सैलरी मिले तब तक किया जाए, दूसरा इस पे कोई पेनल्टी ना लगाया जाए। हम जो एम्प्लॉयज हैं, दोस्त हुआ वर्किंग विद मिनिस्टर्स और अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर ये कंटिन्यू रहता है तो फाइल साइन करने वाला, करवाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, हम काम रोक देंगे। क्या इस तरह की कोई प्लानिंग है आपकी, अगर ऐसा आपकी सैलरी फिर डिले हो जाती? नहीं, अभी तक तो हमने इसके बारे में विचार नहीं किया। देखिए, हम भी इसी प्रदेश के हैं, हम इसी क्या कहते हैं सरकार के सदस्य हैं, माननीय मुख्यमंत्री हमारे मुखिया होते हैं। ठीक है, अगर इस तरह की परिस्थितियां आती हैं, देखो ये पूरे परिवार का फर्ज बनता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है पहले तो हमें इसके कारण के पीछे जाना पड़ेगा, इसके कारण क्या है, क्यों ये परिस्थितियां आई है। तो इसमें हम बैठ के बात करेंगे, हम एक अपनी कन्फेडरेशन की एक मीटिंग बुलाएंगे, फिर हम बात करेंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी से मिलेंगे, चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे कि ये परिस्थितियां क्यों आई है, क्या आगे भी इस तरह की परिस्थिति आने वाली है, इस पे फिर हम गहन विचार विमर्श करेंगे, उसके बाद ही हम आगामी अपनी रणनीति तैयार करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kstreet।